हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से रेडमी के फ़ोन में डेटा लिमिट को डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इनेबल करना तो वो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर पूरी इसी के ऊपर बताने वाला हूँ, सेटिंग के ऊपर, और कि पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को देख के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, आपको सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में घंटी का ऑप्शन है तो उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा सेट डेटा प्लान पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा और भी ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटा प्लान पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डेटा लिमिट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मर्जी लिख करके सेट कर सकते हैं, जैसे 500 GB, 700 MB, 800 MB, 1200 MB। 1200 MB वो होता है जैसे कि आपका 1.2 GB, 7 GB, जो भी होता है आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पर MB सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं यहाँ पर 00 कर देता हूँ, ताकि क्या होगा कि यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली लिमिट हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 हो चुका है। तो इसी तरीके से आप अपना लिमिट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डेटा लिमिट को स्टॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।